बोलिए अपने अपने गुरु और माता पिता की। प्रथम बंदो सतगुरु चरण को, जिन गुरु रचिन जहां, सार शब्द से रचना किए उनको कोटि प्रणाम। तुझे सुमिरे अपने माता पिता को, जो धरती में जन्म करा, अनजल गोरस दान दिए और उंगली पकड़ के चला। पांचों तत्व गुरु और पांच नाम सतना, पांच से पिंडा बने और रचे गुरु सकल जहां। बाबा गुरु घासीदास की जय। सतपुरुष पिता हो सतना, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु संत मनावे तोरे आरती, गुरु ज्ञानी बाबा हो सतना, गुरु आमीन मनावे तोरे आरती। सतगुरु बाबा हो सतना, संत मनावे तोरे आरती। मनावे तोरे आरती, भक्त मनावे तोरे आरती, मनावे तोरे आरती, भक्त मनावे तोरे आरती, मनावे तोरे आरती, भक्त मनावे तोरे आरती, मनावे तोरे आरती, भक्त मनावे तोरे आरती। सतगुरु बाबा हो सतगुरु बाबा हो सतना, संत मनावे तोरे आ।
पतिया आरती थाली सजा गुरु बाबा हो सतनाम संत मनावे तोरे आरती गुरु बाबा हो सतनाम संत मनावे तोरे आरती गुरु बाबा हो सतनाम संत मनावे तोरे पूज्य बाबा घासीदास की जय बोल सतपुर साहिब की जय बाबा गुरु घासीदास की बोली सतपुर साहेब की बोली सत समाज की सुमिरन है धरती माता ला वाह 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 वा। जो सबके दुख ला झेल कहे पापी धर्मी तीन दुखिला अपन पूरा मांस के लगे वंदन है चंद सुरुजला सब जग ज्योतिला बांटत है बगरा के दुनिया भाव सागर ला निहार
बंदन हे मुरु घासीदास बाबाला। गुरु ज्ञान के झोली भर दे मैं अज्ञानी गुरु तोर चरण में पड़े हूँ। गुरु वासल पूरा कर देगा गुरु ज्ञान लखा दे। ये पापी नैना मनिहारत हूँ, ये पापी नैना मनिहारत हूँ। हे सतनाम, हे सतपुरुष पिता जगत गुरु गोसाई, वाह वाह गुरुजी। मृत्य लोक के सकल नर नारी जीव जंतु प्राणी बाबा आप स्मरण करत हैं सदगुरु साहिब। जय हो बाबा, जय हो, जय हो। कब मैं गुरु की शरण में जाऊं? हाँ हाँ। कब मुला परमात्मा मिले? वाह वाह भाई। कब मुला सदगुरु बाबा जी के प्राप्ति होए? प्राप्ति होए। कब गुरु के चरण के दर्शन के प्राप्ति होए करके मन अभिलाषी गुरु बाबा जी तरसत है गुरु बाबा आपके दर्शन के बिना गुरु। वाह वाह गुरु जी। लेकिन हम सब हाँ वो परमपिता परमात्मा सदगुरु लभिया पहाड़ में खोजा था मंदिर में देवालय में बड़े बड़े गिरजा घर भैया गुरु गद्दी दरबार में। सही बात है गुरु जी। जहाँ जहाँ मंदिर बने हमें वाह और जहाँ जहाँ भैया कोई प्रकार के देवालय बने वही जगह में जाके सदगुरु परमात्मा के दर्शन खोज करने के लिए पहुंचा था मन भाई। वाह भाई। लेकिन वो सदगुरु बाबा जी कही थी का बोला थी मोला खोजने वाला बेटा अगर तय मोला पावे तो मात्र अपने घट के भीतर में तय मोला प्राप्त कर सके। प्राप्त कर सकत सदगुरु जी। मन से शीतल होकर के बेटा शुद्धता पूर्वक बेटा श्रद्धा लगा करके परमपिता परमात्मा सदगुरु के नाम के स्मरण कर दे बेटा जरूर मालिक तोला दर्शन दे। जय हो, सही बात है। लेकिन उम्र श्रद्धा होना चाहिए। अच्छा इंसान जन्म ला प्राप्त करें भैया लेकिन इंसानी के जीवन में कैसे करने है कैसे जीवन हमले मिले है कौन प्रकार से हमला आना हो है कैसे दुनिया जाना होला सबला पहली जाने लगी। काबर के मैं कौन हूँ? हाँ मैं कहाँ से आये? कहाँ से आई मोला करना कहा हवा बता तो गुरु जी आखिर में मोला जाना कहा है? अच्छा यही सब हमला जानना है अगर हम अपन आप ला स्वयं ला जान ले तब परमात्मा रूप भगवान की हमला प्राप्ति होगी। सही बात गुरु जी। एक रिश्ते परमपिता परमात्मा संतल समझावत है कैसे समझावत है वो इंसान क्या जिसमें स्वाभिमान नहीं वो गीत क्या जिसमें कोई सुरतान नहीं सारी दुनिया घूम कर देख लो संतो माता पिता से बढ़कर जग में कोई भगवान नहीं। बोल अपने अपने माता पिता की जय। अर्थात हाँ हम सब लोग समझना है कैसे ये भगवान काला कहते काला बोले जाते भगवान के अर्थ होते भाई हाँ भाग्यवान मान के चलो। वाह 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 वा। अगर संधि विच्छेद करे जाए भगवान के हाँ अक्षर के अच्छा तो भय आने भूमि हाँ और गय आने गगन अच्छा वय आने वायु ओहो ओ में आ के मात्रा लगे ही मतलब हाँ अग्नि अच्छा और न आने नीर जल जिला जल कहे जाए हाँ कुल मिला के पांच तत्व भी है संसार के भगवान है भाई। वाह वाह गुरु जी। और पांच तत्व जेकर तन काया खंड में बसे है और हमला जन्म देने वाले वही माता पिता साक्षात संसार के भगवान भगवानी।
परमात्मा स्वरूप माँ बाप के हम कहीं सेवा नहीं कर पाए। हाँ, दुनिया में जा करके मंदिर देवालय में ढूंढो फिरत रहे हो। हाँ, तब हमारा परमात्मा मालिक कहाँ ले मिली, कहाँ ले मिली गुरु जी। वही कारण जब भी हम सुबह अपने निवास स्थान से शयन निद्रा अवस्था से जागन, हाँ, सबसे पहले अपन माता पिता के चरण प्रणाम होना चाहिए। जेकर कृपा से पांच तत्व रूपी भगवान रूपी शरीर लेकर के संसार में परमात्मा के आशीर्वाद लेकर के भी है दुनिया में हम अवतरण हुए। हाँ भाई, वही कारण कहे जाते हैं का बोले परमात्मा ल जानना है तो माता पिता के स्वरूप हम पहचान लें। हो आइए भजन के बाद जय हो जय हो। तय काला कई खस भगवान कहाँ काला माने भगवान कहाँ काला माने भगवान। सतगुरु बाबा जी के अंश। हाँ, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के कहना। हाँ बेटा, जेकर से संसार के निर्माण है, हाँ, जेकर से इस शरीर काया के निर्माण है, हाँ, वही इस संसार के सच्चा भगवान है। हाँ गुरु जी, बाकी सब स्मरण तो करथन जरूर, हाँ, नाम लेबो जरूर, हाँ, लेकिन बेटा पत्थर मुरत इत्यादि सबसे बढ़ करके अगर सोचा जाए बेटा तो जीता जागता, हाँ, जिमा प्राण बसे है, हाँ, जिमा जीव बसे है, हाँ, जिमा परमपिता सतगुरु बाबा जी पांच तत्व विद्यमान है, विद्यमान ही संसार के सबला बड़े भगवान भगवान ही। तय काला के थत भगवान, तय हाँ काला के थत भगवान, तय हाँ काला के थत भगवान, तय हाँ काला के थत भगवान, काला माने भगवान, काला माने भगवान। हर एक इंसान व्यक्ति से पूछा जाए, हाँ, 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 कि बाबू भगवान कहीं देखे हैं, हाँ, हाँ, तो सब यही बताते हैं, हाँ, कि मंदिर में विराजमान है। सही बात है, बड़े बड़े दरबार लगे हैं वहाँ विराजमान है, लेकिन भैया हमला सोचना है समझना है का? अगर हम प्रणाम ग्रथन तो बोल के हमला आशीर्वाद यदि दे नहीं पावते, अगर हम ओकर पास में नारियल फल पान फूल इत्यादि लेके समर्पण प्रथन तो हाथ में झोंक नहीं पावते, ये सबला देखते हुए सोचते हुए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास कहा थे बेटा सबला बड़े परमात्मा स्वरूप ये दुनिया में माता पिता हमें। वाह भाई, जेकर शरण में जाके हम अगर हाथ जोड़ के नमन करबो तो जो कुछ हम लोग जरूरत है, हाँ, हमारे जीवन में हम लोग का जरूरत है सोच समझ के हम लोग प्रदान करते। वाह वाह वाह, जीवन में सुख शांति पद वैभव प्रतिष्ठा धन संपत्ति, हाँ, सब कुछ हम लोग माता पिता देने वाला है, देने वाला और देने वाला ही परमपिता परमात्मा तुल्य भगवान कहते हैं। हाँ, सबला बड़े भगवान बेटा संसार में माता पिता है। तहां सबके कर ले पहचान रे मनवा काला माने भगवान, काला माने भगवान, तहां सबके कर ले पहचान रे मनवा काला माने भगवान, तहां काला माने भगवान, तहां सबके कर ले पहचान रे मनवा काला माने भगवान, काला माने भगवान, तहां सबके कर ले पहचान रे मनवा काला माने भगवान, काला माने भगवान।
के जन्म दिए धरती माला के जन्म दिए धरती माला के लगा के मल मूत्र मा वो हसना के मल मूत्र मा वो हसना के संसार में हाँ हमार जीवन के जब शुरुआत में रहिस हो परमात्मा का सिम कृपा ला प्राप्त करके मैया जी आगुर जी नाम सार शब्द अमृत के द्वारा एक आया खंड के रचना ला परमात्मा जी के आशीर्वाद से मैया रहा थे गर्भ में संरचना शुरुआत करे वाह 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 धन्य हो पिता की कृपा हो धन्य हो माँ की कृपा हा हा ये 9 महीना हमला कोख मराखी सही बात है और कोख मराखी के बाद हाँ ये जीवन में सतनाम के मार्ग हमला प्रदान करी अच्छा अच्छा और सदगुरु के नाम के स्मरण करके दुनिया संसार हमला भी अवतरण कराए अवतरण कराए ही 9 महीना ला पेट में राखे जन्म दिए धरती माला के पालन करे धरती मारे गाके और मल मूत्र हर कर्म सेवा के हमर माता पिता हाँ जतका प्रकार के दुख हमला अपन महतारी के ओतरम रही के उलदिए हैं हाँ सारी संसार में भी सब ज्यादा दुख हमला दे चुके हैं सही बात है गुरु जी लेकिन हम लोग का ज्ञान नहीं है हाँ दया माया करे हृदय लगा के दया माया कर हृदय लगा के हाँ नहीं है तोला कुछ ज्ञान मनवा हाँ हाँ ते काला माने भगवान भगवान तेहा काला माने भगवान रे मनवा दाई दादा भगवान जग मा दाई दादा भगवान काला माने भगवान रे मनवा दाई दादा भगवान जग मा माता पिता भगवान काला के सतन माने मनवा माता पिता भगवान रे दाई दादा भगवान पढ़ा लिखा के महान बनाई शादी रचा के सुवारी लालाई से शादी रचा के सुवारी लालाई पढ़ा लिखा के महान बनाई शादी रचा के सुवारी लालाई शादी रचा के सुवारी लालाई घर के सियानी ला पूरा करे पर अपना हक ला तोला धराई अपना हक ला तोला धराई घर के सियानी पढ़ा लिखा के हाँ महान बनाई हाओ शादी रचा के तोर सवारी लाई सवारी लाई अगर कहीं बेटा है दुनिया में अगर हाँ तो बेटा के लिए सवारी लेके आते आते अब अगर कहीं बेटी जन्म दिए है वाह वाह तो बेटी लव कर ससुराल भेजे के पिया पूरा भार ला निभाते वाह भाई और घर के सियानी के भार ला देके हाँ अपन हक संपत्ति धन दौलत सब कुछ समर्पण कर समर्पण कर देते पढ़ा लिखा के महान बनाई शादी रचा के सुवारी लालाई शादी रचा के सुवारी लालाई घर के सियानी ला पूरा करे पर अपना हक ला तोला धराई से अपना हक ला तोला धराई पूजा लकर थक मूर्ति पथरा के पूजा लकर थक मूर्ति पथरा के कहाँ पावे वरदान रे मनवा कहाँ पावे वरदान दादा है जग में भगवान रे मनवा कहाँ पावे भगवान कहाँ काला मान
भगवान मनवा दाई दादा भगवान तोरी माता पिता भगवान तोरी दाई दादा भगवान तोरी दाई दादा भगवान तोरी माता पिता भगवान तोरी दाई दादा भगवान तोरी माता पिता भगवान बोलिए सतगुरु बाबा गुरु घासीदास की जय। जैसे जैसे संसार में हाँ हम सब लपरमिता परमात्मा के असीम दिवस है। हाँ माता पिता तुल्य भगवान के प्राप्ति हो गया भैया तो माता पिता के अंत समय में हमला साथ देना पड़ी भाई। वाह 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 वाह। अब अगर कि हम वो साथ नहीं दे पाए हाँ तो माता पिता ला जीवन में दुख मिली बेटा लेकिन ओकर दुख के फल बेटा या तो हुला प्राप्त हो ही। अच्छा अच्छा काबर के हम अपन माता पिता ला जब दुख देबो हाँ तो जरूर एक दिन तोरो संतान आही बेटा वह तोला दुख दी। अच्छा अच्छा ये संसार के रीत हवे बेटा ये ला कोनो इंसान छूट नहीं सके नहीं छूट सके लेकिन आज के मानव भैया अब भुला गए हवे का ये कलयुग के जमाना में भैया नाना प्रकार के फैशन के जमाना भैया नाना प्रकार के भैया आवागमन के मार्ग अपना लिखाई वास्तविकता के सत्य चीज ला छोड़ के असत्य चीज में मन लगावत लगावत ही यही कारण आज भी ये सारी संसार में हम दुख पीड़ा ला प्राप्त करत कावर की जब भी हम फसल उगाना चाहते हैं तो सबले पहले हाँ असली बीज है कि हमें खोज करना होते हैं। वाह 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 वाह। ओकर लिए जमीन ला तैयार करना होते हैं। हाँ भाई। ओकर बाद हम अम्मा बीजा ला रोपाई करते हैं। हाँ। ओकर बाद भैया ओकर सेवा करते हैं तब अंत में हमला फल के प्राप्ति होती वही प्रकार अगर हाँ। हमला बोना है संसार में तो सत्य के बीजा स्वरूप अच्छा कर्म और धर्म ला बोना जरूरी है। बोना जरूरी है। जेकर सम्मान करने वाला जीवन भर सम्मान के नजरिए देखे ला पड़े। वाह वाह वाह। लेकिन आज के मानव समाज हाँ। युवक और युवती सब ला देखा जाए हाँ। ये तन के जवानी के अवस्था में भैया आज दाई दादा परिवार संस्कार ला भुला गए हुए भाई। सही बात है गुरु जी। अब ये सब कुछ ला भुलाए के बाद हाँ। उकर मन के मन कामा लगे कामा कुत्ते को साथ चलाना याद रहा रोटी भूल गए फिल्टर फ्रिज का पानी याद रहा पर मटके का पानी पीना भूल गए। आज के मानो लो देख हाँ हाँ साथ में यदि कहीं हाँ बुजुर्ग माता पिता सियाने वाला साथ में कर चलना हमला शोभा ने देवत ऐसे सोचा थे। वाह वाह वाह। लेकिन आज के मानव के नवा युवक युवती मन के साथ भैया कुत्ता साथ में चल सकते लेकिन माता पिता से दूर हुआ चले जाते। वाह भाई वाह वाह। घर घर में आज पशु ही ले पाले थे लेकिन कुत्ता पाले जा सकते है हाँ। बिल्ली पाले जा सकते है हाँ। लेकिन आज गौ माता ला रोटी देना भुला गए हम। वाह वाह भाई। जिन हमारे जीवन में वास्तविकता के फल हम प्राप्ति मिलना चाहिए इंसान छोड़ते चले जाते। सही बात है गुरु जी। फिर इंसान ला परमात्मा मिली कहाँ ले फिल्टर फ्रिज के पानी याद है इंसान ला हाँ। लेकिन आज मटका के पानी पिए ला भुला भुला गए ब्यूटी पार्लर का पता याद रहा वाह 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 पर चोटी को गठाना भूल गए हाय हेलो गुड मॉर्निंग याद रहा पर प्रणाम और नमस्कार करना भूल गए। आज के जमाना में फैशन की दुनिया में हाँ सजना सवरना याद है लेकिन आज बाल लचोटी करना भूल जाते हैं हाँ। ये संस्कारी से कहाँ से आ पाई वाह वाह वाह। जे मैं इंसान आज भुला गया हम। सही बात है गुरुजी। पहले के हमारे बुजुर्ग मन माता मन पिता मन केसला सुंदर संभाल के रखे हैं हाँ हाँ ताकि वो भोजन देखते वक्त भैया भुइया में मत गिरे। अच्छा अच्छा कोनो जगह में जमीन में गिरे मत पड़े रहा हाँ। लेकिन आज वही सामने में नजर आवा
सही बात है। ये सब संस्कार ला बेटी मल्ला बदलना पड़ी भाई, इस दुरत रात पड़ी। अच्छा अच्छा यार, दोस्त का जन्म दिन याद रहा पर बूढ़ी माँ की दवाई भूल गए, स्टेशन का पता हमें याद रहा पर चारों धाम जाने का रास्ता भूल गए। आज के नौजवान युवक युवती मन, हाँ दोस्त के यार के भैया मित्र के अगर कहीं बोला बर्थडे के दिन याद हवे कहीं, हाँ और अगर याद नहीं फिर भी याद करके पता कर लेते हैं, हाँ और अगर बर्थडे पार्टी ला नहीं भुला पाओ, वाह वाह वाह। लेकिन मानुष आज जिन जगह में परमात्मा के दरबार है, हाँ जिन जगह में संत के सत्संग हुआ थे भाई, हाँ जिन जगह में ज्ञान गोष्ठी हुआ थी, जिन जगह में सामाजिक मंथन चला था, अच्छा अच्छा वो जगह में जाना है आज भूल गए हमें, भुला गए। दोस्त यार के जन्मदिन के याद के चक्कर में भैया अगर दादी माता जी है वो तुला दवाई मंगाए रही बोला आज भुला जाते इंसान कहले खिताई, कल मैं लेके ला दूं लेकिन आज मैं भूल गई। अच्छा 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 लेकिन वो पार्टी में जाना नहीं भूल पाओ, हाओ स्टेशन के पता याद है इंसान ला, हाँ कौन जगह जाना है कहाँ जाना है, लेकिन स्टेशन में जाए के बावजूद भैया जिन सच्चा मार्ग है जला परमात्मा के दर्शन के लिए जाना चाहिए, हाँ वो जगह ला भैया वो तीर्थ व्रत ले इंसान भूलते चले जाते चले जाते। सच्चा तीर्थ प्रयाग माता पिता के घर और माता पिता के सेवा और अपने गांव के कुल परिवार मानव समाज ला माने जाते, हाँ जिन जगह में सत्संग ज्ञान गोष्ठी हो वो जगह सच्चा बड़ा प्रयाग माने जाते। अगर तोला गंगा के सागर में जाके बेटा डुबकी लगाना हवे तो बेटा वो मैं गंगा सागर में स्नान करे से मात्र तन तोर काया के गर्मी है तो शांत हो सक, लेकिन चारों धाम के बराबर माता पिता के चरण के सेवा है, हाँ संत गुरु के सेवा है। अच्छा वो शरण में जावे बेटा तोला प्रयाग तोल घर में तोर गाँव में तोर बस्ती में तोला मिल जही मिल जही। बड़े बुजुर्ग से मिलना याद रहा पर हाँ सिर को झुकाना भूल गए, जूता चप्पल का ख्याल याद रहा पर गुरु को भेंट चढ़ाना भूल गए। आज के नौजवान बेटा बेटी मन आओ वास्तविकता के संस्कार भुलावत चले जाते, भुलावत चले जाते। मिलत तो है जरूर, हाँ हाय पिता हाय माँ हेलो कही के समय लोग गुजार लेते हैं, लेकिन सीला झुका के भैया प्रणाम नहीं कर पावाते हैं। सही बात है गुरु जी, और जब तक के तय सिर नहीं झुकावे, हाँ तब तक के तोला आशीष पूर्ण रूप से आशीर्वाद कहाँ ले मिल पाए, कहाँ ला मिली। जूता चप्पल नए नए फैशन में पहनना शुरुआत कर दे हमें भैया आज के बेटी बेटा मन, हाँ लेकिन जूता कौन जगह खोलना है और जूता कैसे प्रकार से पहनना है ला वो मन भुलावा चले जा चले जावा थे। काबर जिन जगह में सत्संग के गंगा स्नान सरोवर करे गए स्थान बने हैं, हाँ वो जगह में जाते हैं तो जूता लमोला रखना है करके ज्यादा कीमती जूता पहन के चप्पल पहन के आज गुरु दरबार में जाके सिर झुकाए बर नहीं पहुँच पावा थे पास, हाँ एक कोई संस्कार लाला दूर हटाना जरूरी है। अदालत पेशी में जाना याद रहा पर सत्संग में जाना भूल गए, शराब गुटखा सेवन करना याद रहा पर अमृत पान प्रसाद पाना भूल गए, अमृत पान प्रसाद पाना भूल। अर्थात सदगुरु बाबा जी के कहने यही है, हाँ कि जीवन में जब भी हमला चलना है समझना है तो सबसे पहले हाँ सत्संग के सरोवर हमला जाना पड़ी, वाह 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 वाह। और जब तक के हाँ सत्संग में जा करके ज्ञान कथा ला श्रवण नहीं कर पाबो, हाँ तब तक भी आज समाज के कुरूति बढ़ते चले जाते, हाँ गुरु जी।
हर समाज में देखा था भैया संस्कार की कमी होते चले जाते, लेकिन सब बड़े देखा जाए सोचा जाए भैया मानव समाज सब हम एक हम। हाँ भाई, जाति चाहे आज इंसान कईयो बना ले, हाँ, लेकिन परमात्मा सदगुरु कहना बेटा मानव समाज में एक नर और एक नारी अगर माने जाते यही हाँ, जाति है। अच्छा, कावर भैया जाति के अर्थ अगर समझने हैं तो हमला जन्म से माने जाते भाई जाति की रचना। हाँ गुरुजी, जन्म से हम सब एक समान हैं। हाँ, वही दुख पीड़ा में मैं भी जन्म लिए हूँ। हाँ, वही दुख पीड़ा में आप भी जन्म लिए हूँ। जन्म ले जबका संसार सागर के भैया मानुष तन है। हाँ, सब वही प्रकार से दुख पीड़ा सुख भैया शांति सबला मिलना जरूरी है। हाँ, तो सब ये संसार में तो सब मानो एक समान है। हाँ, लेकिन ये दुनिया ला देख आज के मानव कैसे भुला गए कैसे। आइए भजन के माध्यम से जय हो बोले बाबा गुरु घासीदास की जय। कलयुग मां बाबा कागुरु जी नीति के नहीं एगा ठिकाना। सही बात गुरु जी, ये कलयुग मां बाबा हाँ नीति नियम के कड़ाई नहीं हुए के कारण हाँ मानव समाज आज भटकत हवे। हाँ, कलयुग मां बाबा नीति के नहीं एगा ठिकाना। 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 नीति के नहीं एगा ठिकाना। नीति के नहीं एगा ठिकाना। कलयुग मां बाबा नीति के नहीं एगा ठिकाना। कलयुग मां बाबा नीति के नहीं एगा ठिकाना। कलयुग मां बाबा नीति के नहीं एगा ठिकाना। लबरा का हाय बाबा लबरा का हाय। सत्य जब लबरा का हाय बाबा लबरा का हाय। आ झूठे बोलैया ला दुनिया पतियाए बाबा दुनिया पतियाए। झूठे बोलैया ला दुनिया पतियाए बाबा दुनिया पतियाए। दुनिया पतियाए बाबा दुनिया पतियाए। दुनिया पतियाए बाबा दुनिया पतियाए। दुनिया पतियाए गुरु दुनिया पतियाए। दुनिया पतियाए बाबा दुनिया पतियाए। ये दुनिया संसार ला देखो तो गुरु कैसे। सच के बोले या मन के गुरु बाबा जी कोनो ये संसार में कर वाणी ला समझने वाला नहीं मिला। नहीं मिला थे गुरु जी। अगर तो सत वाणी बोला था तो मैं पांच घर बैठने वाला नहीं मिला थे। नहीं मिला थे। और झूठा इंसान जेकर भैया बोली लाज परखत हम परखा थे। दुनिया में दोनों के नाम है जरूर। सत ला सच्चा मन के परख पाथे। वाह वाह। झूठ ला झूठा मन के परखे परखे। तो हम सब ला सत बोली ला धारण करे गुरु बाबा जी कहे हैं। हाँ, अवगुण ला छोड़े ले कहे हैं। हाँ, दुर्गुण ला त्यागन करे ले कहे। त्यागन करे ले बोले हैं। बोलत देव तमाला तीमा मारे। बोलत देव तलाला तीमा मारे। बोलत देव तलाला तीमा मारे। पथरा मा फूल चढ़ाना। ये आज के जमाना ला देख। हाँ,
बोलत देवता माता पिता हे भैया, वाह वाह वाह, दादी और दादा हवा भाई। सही बात गुरुजी, आज वो बोलत देती देवता बराबर माता पिता हवा तेकर भैया सेवा नहीं कर पावतन। हाँ हाँ, नाना प्रकार के व्यंजन बेटा अगर तुर घर में बना थे, थोड़ कने एक प्लेट ले जाके बेटा भूल दे दी मार जही। प्यास मरा पड़ल है बेटा, भूख से कल्पत है लेकिन ते वाला अन्न भोजन सही टाइम में दे नहीं पाए। ता दिन तो लियता कन जीवन ले बेटा त्याग करे लेकिन ते वाला कुछ नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। यही कारण वो सदगुरु बाबा जी कहा थे बेटा, बोला तो देवता लते हैं लाठी में मारे मारे और मूर्ति पत्थर में फूल चढ़ाना। वाह वाह, लेकिन याद रखे बेटा वो मूर्ति पत्थर में अगर तय फूल चढ़ावे तो फिर भी परमपिता परमात्मा रूपी आज माता देवता देवी कोनो भी रहा शरण में जावे बेटा, जब तय माता पिता का निरादर करवे तो वह लत और भक्ति स्वीकार नहीं हो। परमात्मा भी यही सोचते कि बेटा तय माता पिता के रूप में बेटा मुला तय पा लेते लेकिन चरण में जाए छोड़ कर तय मोर मंदिर दे वाला मावत है। हाँ हाँ, वो कल पहले तय ओकरे शरण में चले जा चले जा। यही कारण संत महापुरुष मन कहा था मैं का बोला थी, कलयुग माँ पापा नीति के नहीं है गाठी, कलयुग माँ पापा नीति के नहीं है गाठी, तरस के बाबा दूधा तरस के, दूध दही के बिना दूधा तरस के बाबा दूधा तरस के, हाँ दूध दही हा जाके होटल में बस के बाबा होटल में बस के, हाँ दूध दही हा जाके होटल में बस के बाबा होटल में बस के, होटल में बस के हो होटल में बस के, होटल में बस के हो होटल में बस के, होटल में बस के बाबा होटल में बस के, घर घर में आज जाग देखे आवाती गौ लक्ष्मी मैया घर से भैया नंदावा चले जाते, घर हुआ चले जाते तो घर का ठिकाना भरोसा नहीं दिखा, नहीं दिखा दे गुरुजी। हम सब आधार में रोकर लिए सेवा के लिए समय नहीं है, नहीं है, लेकिन जीवन से लेकर के अंततः देख ले बिना गौ के बिना बहु के व्यवस्था के बिना उकर दिए हुए दूध घीव मही दही नाना प्रकार की व्यवस्था उकर बिना आज चलने वाला नहीं। वाह 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 वाह, वही कारण कहा था बेटा कैसे दूध दही के बिना दूधा तरस गे, जे में हम गोरस ल गरम करथन वो तरसत पड़े हा, तरसत पड़े ही, और दूध दही जाके भैया आज होटल में बस बस गे, वो जा करके होटल में बिके और बिके बाद वही ल ज्यादा पैसा में लेके हम उपयोग करथन, जब जोकर से कोई फायदा होने वाला नहीं। देसी घी के नहीं पूछैया, देसी घी के नहीं पूछैया, देसी घी के नहीं पूछैया, घर घर शराब समान। सही बात जी, ये जमाना ला तो देख देख तो देख, सच्चा के घी हवा बेटा बोला तय भोजन में ग्रहण कर ले बेटा कहवे, लेकिन कोनो भी बोला चिखने वाला नहीं मिलते बोला स्वीकार करने वाला नहीं मिलते। नहीं मिलते नहीं मिलते, लेकिन आज के जमाना में भैया लहसुन अब प्याज आगे होते चले जाते हैं। वाह 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 वाह, वास्तविकता में हाओ वास्तविकता के शाकाहारी आहार के साथ साथ हाँ जीवन में हम लोग काला सेवन करना है जेकर से हमारा शरीर बढ़िया रहा है संतुलित रहा है। वाह वाह वाह, ये तामसी भोजन के रूप छोड़ के भैया हम सात्विक जिला ग्रहण नहीं कर पावा। हाँ भाई, कोई बात नहीं, फल है लहसुन और प्याज का सेवन तो कर ले जरूर। हाँ हाँ, लेकिन बेटा मांसा आहार लाते छोड़ दे याग दे, जब तक
के मांस मछली हालत त्याग निकर बाबे बेटा तो तई कहूँ परमात्मा के सेवा करने वाला हम देवी देवता के सेवा करने वाला कहबे लेकिन कोनो काम के नहीं काबर कोनो देवी देवता परमात्मा तोला मांस आहार करेला नहीं कही नहीं बोले बड़े बड़े ज्ञान ग्रंथ गीता भागवत रामायण कुरान कोनो में लेके चले जाओ देखे भैया तो जीव के हत्या करना पाप ही कहे गे सही बात गुरु जी वो शाकाहारी जीवन अपना नहीं पावत है हाँ। लेकिन साथ साथ आज घरों घर में जाके देखे भैया हाँ। बचपन आला छोड़ करके जब तक के युवा अवस्था आते तो हाँ। पुरुष वर्ग मन जगह जगह देखे भैया शराब बिना अपन जीवन नहीं चला नहीं चलावते घरों घर में हाँ। कोई न कोई एक जन परिवार के सदस्य ऐसे हुए जिन शराब के बिना अपन जीवन प्रारंभ नहीं करते नहीं बात लत लगे हुए सुबह उठते हुए भैया सबला पहले भैया साफ सफाई शरीर के ऊपर ध्यान नहीं जावे पहली गंदा जी के सेवन करते हैं गुटखा बीड़ी सिगरेट के पावन करते हैं तंबाकू के सेवन करते हैं सही बात गुरु जी जेकर माध्यम से आज हमारा जानकारी भी मिलत है हाँ। कि नाना प्रकार के जो कुछ हम ग्रहण करते हैं हाँ। जिला सरकार भी है एक माध्यम से विज्ञान भी कहा थे मना करत है हाँ। लेकिन हम हिम्मत चल नहीं पावत सही बात ये बुरी लत हमारा त्याग जरूरत है हाँ। जेकर घर में शराब है हाँ। तो घर के पूरा परिवार के जीवन खराब है खराब है ये शरीर पूरा नाश कर देते बेटा वाह 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 ये शराब के जीवन ल अपन जीवन के आधार बनाए हमला छोड़ना पड़े हाँ। और जतका मोर मैया मन है बेटी मन है हाँ। उकर मन से मोर एक ही प्रार्थना है कि अपन पति ला हाँ। अपन ससुर ला हाँ। अपन भाई ला हाँ। अपन जोड़ी ला अपन रिश्ता नाता सब ला हाँ। एक बार निवेदन करके कहें कि जोड़ी आपके नाम लेके परिवार बिखरत है हाँ। परिवार के मान सम्मान बिखरत है वाह वाह धन संपत्ति बिगड़त चले जात है जात है एकर लिए जोड़ी एला छोड़ दो करके बरजना चाहे तब कहीं हो सके घर कहो जागृत हो जाए अच्छा अच्छा कलयुग मा बाबा नीति के नहीं है गाठी 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 नीति के नहीं है गाठी नीति के नहीं है गाठी संत मन के अमित अमर वाणी भाई वाह 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 सच बोले सो मारण धाये और झूठा जगपति आए गली गली माँ गोरस फिरे बैठे मंदिर जाए घरों घर में भाई हाँ आज सही चीज के हाँ धारण करने वाला नहीं मिलते वाह 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 वा। सच्चा रास्ता ला ग्रहण करने वाला नहीं मिला नहीं मिलते और जब तक के वो सच्चा रास्ता हमला नहीं मिल पावते हाँ ते जीवन में हमला भैया किसी प्रकार से परमात्मा के भक्ति ही मिल ही हाँ गुरु जी वही कारण हम सब हाँ। सोच समझ के आज जीवन में चलने की जरूरत है अच्छा अच्छा बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जय पारस और संत में और बड़े अंतर जान हाँ
पारस लोहा कंचन करे और संत करे अपने समान। पारस काला कह जाते हैं, काला बोले बड़े बड़े संत के बुखार में इसे सुनने के लिए मिले। हाँ, कि एक ऐसे मणि है, हाँ, जिसे एक लोहा ला एक पत्थर से छुआए के बाद में, हाँ, वो सोना बन जाते कहे जाते। अच्छा, पारस पत्थर से, और ओकरे नाम पारस पत्थर माने गए। हाँ, हाँ, लेकिन आज ये दुनिया में भैया खोजा था नगर संसार में तक कोनो जगह पारस रूपी पत्थर के भैया दर्शन कोनो संत ला प्राप्त नहीं हो पाए भाई, नहीं हो पाए। लेकिन वो संत ज्ञानी गुरु के कहना है बेटा, हाँ, पारस पत्थर के तुलना बेटा ज्ञान से करेगी है कहे लगे भाई। हाँ। काबर हम अगर दुनिया में धन संपत्ति कमाए के लिए दुनिया प्रकार के मेहनत मजदूरी करत हन, हाँ, नाना प्रकार के संघर्ष करत हन, हाँ, और अगर भैया खोजना है तो जीवन भर में एक बार पारस पत्थर मिल जाती तो भैया ओला बड़े बड़े लोहा ला छुआ देते, हाँ, 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 वो सोना बन जाती भाई, बन जाती गुरु जी। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं, नहीं है, नहीं है। एक रे कारण गुरु ज्ञानी बाबा समझावा थे, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास शिक्षा दे के कहा थे बेटा, हाँ, हाँ, हाँ। सब बड़े अनमोल बेटा ज्ञान हवा बेटा, ज्ञान ज्ञान के माध्यम से बेटा हमला के सारे संसार में सोना के प्राप्ति हो जाते। हाँ। मतलब ये जो मानुष तन की जो काया है, हाँ, ये जो शरीर है, हाँ, वो है बेटा लोहा के बराबर माने, बराबर माने जाते। और जब का दुनिया में संत महापुरुष हैं, हाँ, ज्ञानी हैं, हाँ, वो सबला वो देवता स्वरूप ओला चांदी के तुल्य माने गए। अच्छा अच्छा। लेकिन सदगुरु बेटा जिन ज्ञान देने वाला है, हाँ, जिन सच्चा मार्ग देने वाला है बेटा, वही ला बेटा पारस मणि देने वाला ज्ञानी गुरु कहे गए। वाह 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 वाह। तो पारस से तात्पर्य यही है, हाँ, कि संत महापुरुष के दिए हुए ज्ञान, ज्ञान गुरुजन के ज्ञान, हाँ, ज्ञान अगर एक बार हम धारण कर ले वो तो जीवन में हमला बेटा संसार के सबला बड़े धन की प्राप्ति होगी, मूल्यवान बन जाओ। काबर की ये दुनिया में बेटा सबला बड़े अनमोल हवा बेटा, हाँ, ओ तो जीव हवा बेटा, जीव ये तन मयाना बड़ा मुश्किल हवा है। सही बात है गुरुजी। दूसरा अनमोल रतन, हाँ, ये ज्ञान हवा है, हाँ, जिन बार बार इंसान नहीं मिले, नहीं मिले। और तीसरा अनमोल रतन बेटा, हाँ, हाँ, ये तो हमार मिले हुए जीवन हवा है। वाह वाह। ये आयु हवा ये बार बार नहीं मिलने वाला, नहीं मिला है। और एक है बेटा समय अवसर, हाँ, वापस ये समय लौट के आने वाला नहीं बेटा, अपन आप लोग का हिसाब से तोला ढाले ला पड़े है। हाँ। तबे तय जीवन में नाम कमा सकत, कमा सकत है। और एक है जो बार बार नहीं मिला वो काए, अपन स्वयं के जन्म देने वाले माता और पिता। वाह वाह। एक बार दुनिया ले चले जाए बेटा, दोबारा तो लौकर से मुलाकात नहीं हो, भेंट नहीं हो, दर्शन नहीं हो। हाँ हाँ। यही कारण हम सबला अपन जीवन में अच्छा कर्म करते करते, हाँ, सदगति ला हमला प्राप्त करने है। वाह वाह। सदगति ला प्राप्त के लिए बेटा सच्चा गुरु के सानिध्य प्राप्त करने की जरूरत पड़ी। गंगा पापम ससीता पम और दैत्यम कल्पतरूर हरे, हाँ हाँ, पापम तापम तथा दैन्यम और सत्य साधु समाय। संत मन कही कावली, गंगा के स्नान करे से बेटा तन के ताप है बेटा, हाँ, दूर होते, लेकिन मन के पाप है दूर नहीं होने वाला, नहीं हो। और कल्प वृक्ष के नीचे में बैठे से बेटा, हाँ, तपत गर्मी शांत होते बेटा, लेकिन दुख के विनाश नहीं हो सका कहे गए। लेकिन फिर भी चलो माना जाए, हाँ, तो कल्प वृक्ष के नीचे में जाकर हमारा सुख की भी प्राप्ति यदि कहीं हो। अच्छा अच्छा। तो कर बाद सत्संग के गंगा स्नान करे से बेटा, हाँ, तन मन ये जीवन सब कुछ बेटा तो साफ हो सकत। वाह वाह वाह। अर्थात
सत्संग ऐसे साधन है, हाँ ऐसे व्यवस्था है मानव जीवन के लिए, जेमा बेटा आज नाना प्रकार के तोला भटके हुए समस्या ला निवारण करे के उपाय मिलही, हाँ जिंदगी जिए के कला मिलही, अच्छा जीवन में कुछ सीखे के तोला बेटा प्राप्ति मिल जही। वाह भाई वाह, एकरे कारण बेटा सबो जगह के बराबर आज सत्संग के गंगा ला माने गे जेमा सब प्रकार के तोला मनोरथ के कामना के पूर्ति हो जाए। हाँ। ऐसे ही संसार में सत्संग के जगह हमला जाना पड़ी, जाना पड़ी, तबे मन और समाज के कल्याण हो पाए। वाह वाह वाह, बोले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जय। एकली हमला जाना है, चलना है, हमें संसार सागर में जब से आए हैं ना, हाँ बहुत दूरी तर के दुनिया में चल के हम आए हैं, हाँ तय करके संसार में हम आए हैं, लेकिन हम सब लग पता है कि वापस यहाँ से जीव जो आए बोला वापस वही परमात्मा के लोग जाना पड़ेगी। सारी दुनिया संसार में जितना प्रकार के जीव जंतु जगत के प्राणी दुनिया में आए, चाहे मानुष संचोला हो, चाहे पशु हो, चाहे कीट पतंगा हो, भिया चाहे पंछी जोनी हो, सबके सब इस संसार में मुसाफिर बन के आए आए। अब मुसाफिर के मतलब राहगीर, चलने वाला। आओ। और रास्ता चलते चलते भैया हमला बहुत कठिनाई के सामना करे लगे। सही बात है जी। लेकिन हमारे जीवन में एक उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, हाँ एक लक्ष्य होना चाहिए भैया, जेकर बदौलत हम वो लक्ष्य तक पहुँच सकत है। हाँ हाँ, जैन जीवन में जेकर जीवन में लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, फिर मानव तन जीवन कोई काम की नहीं। यही कारण पशु तन पीछे हो गए, हाँ और मानव तन लघु जीवी प्राणी बना परम पिता परमात्मा, हाँ फिर अपन लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास कर सकत है, हाँ प्रयत्न कर सकत है भाई। वाह 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 वाह, आइए भजन के माध्यम से जय हो। मुसाफिर मुसाफिर हे मुसाफिर, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, अर्थात हाँ रुकना नहीं है, हमला चलते ही रहना है। हाओ। और चलते के नाम गाड़ी कह जाते हैं। वाह वाह वाह, तो हम सब लोग चलते ही रहना है, अग्रसर होते रहना है, आगे बढ़ते ही रहना है, कदम बढ़ाते ही रहना है। हाओ। मुसाफिर चलते जाना रे, 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 नायक को ना भटको संतो, अटको ना भटको संतो, ना अटको ना भटको संतो, जैसे वीराना रे, किसी को अटकना नहीं है, हाँ रुकना नहीं है, हाँ भटकना नहीं है, भटकना नहीं है, जहाँ तोला सच्चा रास्ता मिला बेटा आगे बढ़ते चले जा, चले जा। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, माया में भूल न जाना, सत्कर्म धर्म अपनाना, प्रेम माया में भूल न जाना, सत्कर्म धर्म अपनाना, प्रेम माया में भूल न जाना, सत्कर्म धर्म अपनाना, प्रेम माया में भूल न जाना, सत्कर्म धर्म अपनाना, गुरु कृपा से जग में आया, गुरु कृपा से जग में आया,
संसार में हाँ प्रेम माया के मधरा में फंसे हमन भाई। वाह वाह वाह। और माया भी जरूरी है, प्रेम भी जरूरी, लेकिन कहाँ प्रेम करना है, कहाँ माया बढ़ाना है, भी बोला सोच समझ हमला चलना चाहिए भाई। हाओ काबर परमपिता परमात्मा भी थे बेटा, प्रेम बिना सारी संसार अंधेला है। हाँ हाँ। प्रेम भी जरूरी बेटा, लेकिन हमला समझना है जिन प्रकार से एक माता एक बेटा से प्रेम करते। अच्छा अच्छा। जिन प्रकार से एक बहन एक भाई से प्रेम करते हाँ, और जैन प्रकार से एक गुरु एक चेला से प्रेम करते बेटा, वही प्रकार के प्रेम हमारे जीवन में होना जरूरी है। अब अगर हम गलत तरीका से प्रेम अपनाए शुरुआत करें तो फिर संसार में भटक के रह जाओ। सही बात है। गुरु प्रकाश जी, गुरु के बाबा जी का आशीर्वाद लेकर के कृपा लेकर के हमें संसार में हैं हाँ, और वही लोग भुला गए स्मरण भुला गए जेकर द्वारा जन्म लेन वही ले भुला गए फिर संसार में हमर जीवन अंधेला हो। सही बात है। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। वासना में ध्यान लगा के सेवा भक्ति भुलाए रे, काम वासना में ध्यान लगा के सेवा भक्ति भुलाए रे, काम वासना में ध्यान लगा के सेवा भक्ति भुलाए रे, काम वासना में ध्यान लगा के सेवा भक्ति भुलाए रे। मानव तन दुर्लभ है बंदे, मानव तन दुर्लभ है बंदे, मानव तन है बंदे नहीं है पाना रे। मानव तन दुर्लभ है बेटा हाँ, बार बार मिलने वाला नहीं नहीं नहीं। काम वासना में मन लगावे बेटा ते सारे संसार में सरी बेटा विनाश हो जही। और ध्यान करना है बेटा यदि तो वो सदगुरु के ध्यान कर लेना चाहो। कोई भी कार्य ध्यान लगा के करवे बेटा तो वो कार्य जरूर सफल होते। हाँ हाँ। और सेवा भक्ति करना है बेटा इंसान के तन पाए हाथ इंसान ही सेवा तोला करना पड़ी, करना पड़ी परोपकार के कर्म तोला करना पड़ी। वाह वाह वाह। काबर ये दुनिया में आया है तो कुछ बोले कुछ अच्छा कर ले, ये संसार से चल जाना ही पड़ी। हाँ। जाना है पड़ी बेटा संसार से तक कुछ जोर के तय चले जा, चले जा कुछ कर्म कमाई बना के चले जा। वाह वाह वाह। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। हम हृदय में रख के छोटे को बहुत सताए रे, क्रोध हमको हृदय में रख के छोटे को बहुत सताए रे, क्रोध हृदय में रख के छोटे को बहुत सताए रे। जाति वर्ण के भेद बना के, जाति वर्ण के भेद बना के, जाति वर्ण के भेद बना उच नीच बनाया रे। परम पिता परमात्मा सदगुरु बाबा जी मानव समाज ला शिक्षा देते हुए कहिस के बेटा ये दुनिया संसार में ऊंच नीच के भेद बनाने वाला मन बिगाड़ के रखे। सही बात है। ब्राह्मण क्षत्रिय हाँ, वैश्य और शूद्र चार वर्ण के जो बताए जाते हैं हाँ, वो सबले तो भैया एकाएक खंड में परमात्मा सदगुरु बाबा जी बताए हमें। हाँ गुरु जी। ब्राह्मण के मतलब हाँ, ज्ञानी मतलब मस्तिष्क हाँ, जेमा ज्ञान समाहित है जो हर इंसान के तन में समाहित हाँ। क्षत्रिय मतलब लड़ाई करके हाँ, रक्षा करने वाला, मतलब इस शरीर में जो हाँ, खून की छन्नी करते हृदय हाँ, वहाँ भैया लड़ाई करके नाना प्रकार के शरीर के
खराब व्रत तलब वापस ला करके छन्नी करके वापस शुद्ध करके भेजते भाई। हाँ गुरुजी। और वैसे पेट ले माने की हाँ। जब ये पेट में भैया अन्न के दाना पहुँचते भोजन ग्रहण करता नौकर बाद में शरीर में पोषक तत्व भैया पूरा शरीर पोषण भेजते भाई। पालने वाला बढ़िया कहेगी वाह वाह। उसके बाद ये जो कमर से नीचे के जो अंग है वाला हाँ शुद्र माने की मतलब वाह वाह। जेने सारी संसार रूपी काया के सेवा करने वाला है वाह 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 वाह। और सेवा करे का तात्पर्य हाँ एक कमर के नीचे के जितने भी अंग है हाँ सभी अंग के द्वारा खाना पीना पचे के बाद हाँ उत्सर्जित क्रिया करे जाते हैं हाँ बाहर निकाले जाते हैं वाह वाह वाह। और प्रजनन इंद्री यही तन में माने गए हैं हाँ जेकर द्वारा संसार के भी उत्पत्ति स्वरूप आज बेटी बेटा की रचना जन्म दिए जाते हैं हाँ हाँ। ओकर बाद हाँ। सब मिल के सेवा करने वाला सबको ऊपर के शरीर के हाँ। वजन पैर बोहे हवा चलत हाँ। यही कारण के भी ये सब सेवा करने के काम आते वाह वाह वाह। लेकिन आज मानव समाज में भैया हाँ बड़े और छोटे उच्च और नीच बना करके आज गुमराह करके रख दिए गए हैं भाई। सही बात गुरु जी। लेकिन ज्ञानी मन कहीं हाँ अगर कहीं उच्च कुल में जन्म लिए मात्र हाँ और कर्म कहीं छोटे कुल के बराबर करे कहीं करे तब फिर कोई फायदा है का हाँ हाँ हाँ। उगर से अच्छा तो बेटा नीचे कुल के जन्म लेने वाला है वाह वाह। यही सब ला सोच समझ के गुरु बाबा गुरु भाषी राज कहे के बेटा मानव समाज सब एक बराबर है हाँ मानव मानव एक समान हवे समान है। मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे। नायट को ना भटको नायट को ना भटको ये देश वीराना रे मुसाफिर चलते जाना 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 रे। बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की बोली सतपुरा साहेब की अर्थात हाँ मुसाफिर के तरह ये दुनिया संसार हम सब आए हैं और सब एक दिन ये दुनिया विश्व छोड़ के भैया आज काया ले यही छोड़ करके जीव बसला मालिक के लोग जाना पड़ा। ये जीव ले भेजे के लिए ना तो कोई पूजा पाठ कर्म धर्म की जरूरत नहीं है खबर क्यों आए तेला जाना ही पड़ी जाना पड़ी। लेकिन आज रूढ़िवादी आडंबर में फंसा के इंसान लगी भैया की मन खिला पूजा करना पड़ी पाठ कराना पड़ी पिंड दान करना पड़ी गंगा स्नान करना पड़ी गंगा में हड्डी सरोना पड़ी यही सब लगे बाबा जी रूढ़िवादी आडंबर ला मना करे के लिए कहे मान समाज ने काबर आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बंध जा सतमत छोड़ा सूरमा और सत राखे पत जा सतके राखे लक्ष्मी और बहुरी के घर आ
सत ल छोड़ना नहीं। हाँ, काबर के जन्म सत से हुए बेटा और सत ही मरण हवे। हाँ, लेकिन बीच के जीवन काल में इंसान सत ल काबर भुला जत है, काबर छोड़ देते हो। काबर सारी संसार सतमय होना है। हाँ, और सत से सृजन हुए भाई। वाह वाह, यही कारण गुरु बाबा जी कहा बेटा का ये भाव सागर छोड़ के मोर लोक में एक दिन सब लाए आए लगी आए लगी। एक दिन जाना पर ही हंसारे, गुरु के द्वार एक दिन जाना पड़ी। वो सदगुरु के द्वार एक दिन हम सब ला जाए लगे। हाँ, और वाला याद रखे के काम है। और जैन इंसान ला जन्म तो है याद। हाँ, लेकिन मरण गति भी याद रहना चाहिए कि मोला एक दिन मरना ही है। हाँ, फिर अपन रास्ता ला संभाल ले, कर्म ला सुधार ले, खान पान सुधार ले, चाल चरण ला सुधार ले, बोली शैली व्यवहार ला सुधार ले बेटा। हाँ, फिर ये संसार सागर में तोर जीता जागता, ये संसार में तोर मुक्ति हो गए। मरे के बाद मुक्ति होना कहे जाते बिल्कुल झूठा है भाई। वाह वाह, ये संसार में जीता जागता मुक्ति ल प्राप्त करने तो अच्छा कर्म धर्म के राह अपना ले, अपना ले, अच्छा भोजन कर ले, परोपकार के कर्म कर ले, सेवा। हाँ, कर ले। एकर से बढ़ के संसार में मुक्ति कोनो जगह नहीं नहीं नहीं। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मान बन जा। हाँ, अब ओकर करे के लिए बेटा ये संसार में पद पाए के लिए बेटा तो बहुत संघर्ष करना पड़े। सबला पहले तो त्यागना ही होगा। अच्छा अच्छा, आइए भजन में। एक दिन जाना पर ही हंसारे, गुरु के द्वार तोला जाना पड़े। एक दिन जाना पर ही हंसारे, गुरु के द्वार तोला जाना पड़े। एक दिन जाना पर ही हंसारे, गुरु के द्वार तोला जाना पड़े। एक दिन जाना पर ही हंसारे, गुरु के द्वार तोला जाना पड़े। गुरु के द्वार तोला जाना पड़े ही हंसारे, गुरु के द्वार तोला जाना पड़े। भाई संगी कोनो संग नहीं जावे, तोर कोनो संग नहीं जावे। बेटी बेटा दाई जदा के माया ने भुलावे, वो माया ने भुलावे।
गुरु के द्वार भला जाना पड़ी गुरु घासीदास की परम आदरणीय संत समाज। हाँ हाँ हम सफला हाँ ये सारे संसार ल छोड़ के गिर जाना पड़े जाना पड़े और जीवन से लेकर के हाँ मृत्यु तक के हमारे जीवन में सही कर्म होना अति आवश्यक। वाह 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 जब तक ये सही कर्म नहीं हो पाए तब तक ये पूरा सारे संसार अंधेरा ही। बोले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की सेकंड पार्ट।